हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहवास रान्ना घर। आज मैं आपको सिखाऊंगी कॉर्न के दो बहुत ही इजी रेसिपी। एक है सॉल्ट एंड बटर स्वीट कॉर्न, दूसरा है मसाला स्वीट कॉर्न। ये बहुत ही टेस्टी है और साथ में हेल्दी भी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने अमेरिकन स्वीट कॉर्न यूज किया है। आपको ये नहीं मिला तो आप कोई भी मार्केट में जो देसी भुट्टे का छल्ली मिलता है वो भी ले सकते हैं, और जो भुट्टे का पैकेट बाजार में आता है वो भी ले सकते हैं। अब मैं इसके छिलके अच्छे से साफ कर लूंगी। देखिए, भुट्टे अच्छे से साफ हो गया और इनमें कोई भी ऐसी रूही नहीं है, ये पूरा क्लीन है। अब मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक सिखाऊंगी, इससे भुट्टे का जो दाने हैं वो इजीली बाहर आएगा। तो इसके लिए मैंने भुट्टे को माइक्रोवेव में 7 मिनट पकने के लिए रख दिया। इससे भुट्टे का जो दाने हैं ये अच्छे से पक जाएगा और दाने इजीली बाहर निकल आएगा। देखिए, 7 मिनट के बाद भुट्टे का कलर पूरा चेंज हो गया और भुट्टे अच्छे से पक भी गया। भुट्टे को आप प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। इसके लिए भुट्टे को 2 पीस करके प्रेशर कुकर में 4 सीटी लगाना, इससे भी भुट्टे का जो दाने हैं वो अच्छे से पक जाएगा। आप देख सकते हैं भुट्टे का एक एक दाना कैसे इजीली बाहर आ गया, बट ऐसे करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसके लिए मैंने भुट्टे को ऐसे पकड़ के नाइफ को ठीक ऐसे चलाऊंगी। थोड़ा ऐसे प्रेशर दीजिएगा। थोड़ा सा प्रेशर देने में भुट्टे का जो दाने हैं वो बहुत इजीली बाहर निकल आएगा। ये थोड़ा सा मेसी बट इजी वे है। इसे करने में आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यही है मेरा सिंपल सा ट्रिक। अब देखिए, इसमें कोई भी दाने नहीं है, ये पूरा क्लीन है। अब मैं इससे सॉल्ट एंड बटर स्वीट कॉर्न और मसाला स्वीट कॉर्न बनाऊंगी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है लेमन जूस, चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, चिली पाउडर और मेल्टेड बटर। तो मैं पहले सॉल्ट एंड बटर स्वीट कॉर्न बनाऊंगी। इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बोल में थोड़ा सा स्वीट कॉर्न लिया है। इसके साथ मैंने लिया 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। और 1/2 टीस्पून मेल्टेड बटर। अब इसे अच्छे से मिलाया। अब मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया और फिर उसे अच्छे से मिलाया। तो बस रेडी सॉल्ट एंड बटर स्वीट कॉर्न। ये कोई भी शॉपिंग मॉल में बहुत इजीली मिलता है और ये बहुत टेस्टी भी है। अब मैं मसाला स्वीट कॉर्न बनाऊंगी। इसके लिए मैंने और एक मिक्सिंग बोल में थोड़ा सा स्वीट कॉर्न ले लिया। अब मैं इसके साथ एक एक करके 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और थोड़ा सा चिली पाउडर और सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट और चिली पाउडर आप आपके टेस्ट के हिसाब से मिलाना। और चटपटा फ्लेवर देने के लिए मैंने 1/4 टीस्पून लेमन जूस ऐड किया। अब इसे अच्छे से मिलाया। तो रेडी चटपटा मसाला स्वीट कॉर्न। ये दो रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है और इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छा है।
ये जरूर ट्राई करना घर में और मुझे बताना कैसे लगा। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।